19 की डिजीज का। सबसे पहले ये वेल नोन इंफॉर्मेशन है कि कोविड छोटी उम्र में जब होता है या यंग व्यक्तियों में जब होता है तो एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, और उम्र बढ़ती है तो सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये मानी हुई बात है कि यंग लोग इन जनरल आर एसिम्प्टोमेटिक, इन्फेक्शन होती है पता ही नहीं चलता है, और जितनी उम्र कम होती जाती है ज़्यादा ही एसिम्प्टोमेटिक उसका चेहरा होता है। सो हमेशा ये मान के चले हैं, और ये नॉलेज है, ग्लोबल नॉलेज है, देश में भी ये देखा गया है। दिसंबर वाले सर्वे में ICMR का जो था उसमें ये दिखाया गया, उसमें हमने 10 साल तक सर्वे किया था, और उसमें ये दिखाया गया था कि उस टाइम पे जितना व्याप्तता एडल्ट्स में है 10 साल के बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी लगभग उतना ही है, 22-23%, 20-22%। कहने का मतलब यह है कि बच्चों में इसका इफेक्ट उस तरह से देखा जाए तो था ही, अगर था तो वो स्प्रेड भी करते हैं। कई साइंटिफिक पेपर भी आए, जिसमें एक तमिलनाडु की इम्पोर्टेंट स्टडी आई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी दर्शाया गया कि बच्चों को इफेक्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लोग स्प्रेड भी कराते हैं। सो दिस इज़ ऑल वेल नोन, लेकिन इसकी रिस्पॉन्स में क्या करना है हमें? रिस्पॉन्स में वही काम करने हैं जो हम और साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमेशा एम्फेसाइज किया है। अपने आप को बचाना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगाना है, और 10 साल 11 साल वाले बच्चे भी जाए उनको भी इनकरेज करना है कि वो भी मास्क लगाएं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही चीज़ें करनी है।